Assalamualaikum, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट डे के साथ हाजिर हुए हैं। और आज हमारा सफ़र है कुमराट वैली की तरफ। तो चित्राल से अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं, तकरीबन 5:15 बजे का टाइम है, 7 आवर्स की ड्राइव है। बाकी सारी जगह तो आपने देखी भी है, जहाँ से कुमराट के लिए हम लोग टर्न करेंगे वहाँ से इंशाल्लाह मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करूँगा और कुमरात वैली तक। शरिंगल पहुंच चुके हैं और शरिंगल बाज़ार से गुजर रहे हैं। शरिंगल बाज़ार तक का जो रास्ता है वह बहुत अच्छा है, कारपेट रोड है, लेकिन शरिंगल बाज़ार से आगे पातराक और थल तक का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी जगह से रोड टूटी हुई है, जिसकी वजह से जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो बहुत सी जगहों पर नीचे लगती हैं। जो बड़ी गाड़ी वाले हैं, किया स्पोर्टिज या प्राडो या फॉर्चूनर वाले, वो तो इजीली अपनी गाड़ी कम थल तक लेके जा सकते हैं और थल से आगे जीप लेनी पड़ेगी उन्हें। लेकिन जिनके पास छोटी गाड़ी हैं वो अपनी गाड़ी शरिंगल या पातराक में पार्क कर दें और वहाँ से फिल्डर गाड़ी या प्राडो या जीप बुक करवा के आगे कुमराट वैली तक जाएँ, क्योंकि रोड ख़राब होने की वजह से गाड़ी बहुत सी जगहों पर नीचे लगती है और गाड़ी का काफ़ी नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो बेहतर यही है आप शरिंगल या पातराक में अपनी गाड़ी पार्क करें और वहां से 4x4 या फिल्डर या जीप बुक करवा के आगे कुमराट वैली की तरफ चलें।
अब मैं थल पहुंच गया हूं और थल पहुंचने के बाद मैं अपनी गाड़ी पार्क करूंगा और गाड़ी पार्क करके यहां से 4x4 ब्राडो बुक करवा कर कुमराट वैली की तरफ इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करेंगे। कुमराट वैली पहुंचने लगे थे। कुमराट वैली पहुंचने से पहले थोड़ा सा पीछे ही ये पोर्ट स्टार्ट हो जाते हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और यहाँ पर मोस्टली लोग कुमराट वैली में जो आते हैं, होटल्स तो हैं नहीं तो इन पोर्ट्स में ही स्टे करते हैं। एक काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ख़ूबसूरत बने हुए थे। इसी तरह कुमराट वैली तक कुछ कुछ जगह पर यह पोर्ट्स हैं जिनमें आप लोग रात को वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और ये 1000 से लेकर 2000 तक की रेंज में होते हैं पोर्ट्स, और काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं। तो अगर आप लोग स्टे करना चाहें तो इन पोर्ट्स में या कैंपिंग करके वहाँ पे कुमराट वैली में स्टे कर सकते हैं। हम लोग ये पहुँच गए हैं कुमराट वैली। कुमराट वैली तकरीबन थल से 1 घंटे का सफ़र था, और सफ़र अच्छा खासा थका देने वाला था क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर थे और 4x4 के अलावा कोई गाड़ी नहीं आ सकती वहाँ पे। आ रही है थी गाड़ियाँ, लेकिन यह है कि गाड़ी के साथ जुल्म ही करने वाली बात है। बहरहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुमराट वैली है।
खूबसूरत है ये इसका, यहाँ की लैंग्वेज में बड़ा वाटरफॉल और इससे पीछे था एक वो छोटा वाटरफॉल। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे मशहूर है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, लड़के आते हैं कैंपिंग करते हैं, हट्स बने हुए हैं वो रेंट पे मिल जाते हैं, तो लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं और सुबह यहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा है, थल के और कलाम के नस्बत इसका कुमराट वैली का जो मौसम है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठंडी हवा चल रही है, गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग आएँ तो बेशक अपनी गाड़ी लेके आएँ, जो सी मर्ज़ी गाड़ी, कोशिश करें 4x4 पे आएँ। अगर 4x4 पे नहीं आया जाता तो एक करोला हो गया, होंडा होगी, इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं इनको आप लोग शरिंगल गांव का नाम है वहाँ पे खड़ी करें और वहाँ से जीप लेके आएँ। तो अभी इंशाल्लाह आज रात को मेरा कलाम का प्लान है, तो फिर इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।